प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है डाटा प्रदर्शन एवं बाइनरी अंक गणित। इस पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं जिनकी प्रकृति बहुविकल्पी से लेकर विस्तृत उत्तरी तक की होती है। हम उन प्रश्नों का जवाब सुनियोजित एवं सटीक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आइए हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित इस विषय बिंदु पर विचार करते हैं, एक एक बिंदुओं पर विचार करते हैं। हम आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे, आप डाटा प्रदर्शन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और उसमें वीडियो क्लास जो आपको प्रस्तुत की जा रही है ध्यानपूर्वक उसको देखें और अपने लेख को तैयार करें जिससे कि आप एक बेहतर अंक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आपको ले चलें डाटा प्रदर्शन की तरफ। डाटा प्रदर्शन क्या है? सीधी सी बात है कि डाटा प्रदर्शन किसी डाटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करना डाटा प्रदर्शन है। कंप्यूटर में हम डाटा का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से करते हैं जिसे डाटा रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। हम डाटा का प्रयोग अध्याय क्रम एक में कम्युनिकेशन के परिप्रेक्ष्य में किए और अध्याय क्रम चार में रिप्रेजेंटेशन के रूप में किए। डाटा कम्युनिकेशन में और यही डाटा रिप्रेजेंटेशन में शामिल हुआ, दोनों का भी अलग अलग होता है। जब हम डाटा को कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं तब हम शब्द चित्र ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में डाटा का यूज करते हैं तो समझना बेहतर होगा डाटा क्या है। हमारा डाटा रॉ फॉर्म में होता है जिसे हम रीड एंड राइट इन्हीं दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कोई भी डाटा हमारा रीड होता है और मोड में हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर से इन्हीं डाटा को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित कराते हैं जिसे डाटा रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। जब हम डाटा को कंप्यूटर से रिप्रेजेंटेट कराते हैं तब उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, उसकी इकाइयां होती हैं। आइए उसको समझते हैं। डाटा की विभिन्न इकाइयां होती हैं क्योंकि कोई भी डाटा होता है वह कुछ इकाइयों से मिलकर बनता है। डाटा को बनाने में उन इकाइयों का विशेष योगदान रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहें, अगर आपसे हम प्रश्न करें कि एक शब्द का निर्माण कैसे होता है तो आपका जवाब होगा विभिन्न प्रकार के वर्णों से, जो स्वर हो सकते हैं और व्यंजन हो सकते हैं। वावेल एंड कॉन्सोनेंट मेक्स अ वर्ड। स्वर और व्यंजन का समूह एक शब्द को बनाता है। आपकी बात सही भी है, लेकिन आप उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको आप चर्चा में शामिल नहीं किए। जैसे करैक्टर के पहले साउंड, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब भी कोई शब्द बनता है उसकी सबसे छोटी इकाई साउंड है, क्योंकि वही ध्वनि वही साउंड आप करैक्टर के रूप में लिखते हो। वही करैक्टर आपका वावेल और कॉन्सोनेंट होता है और वही करैक्टर आपका दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड को बनाता है। उसी प्रकार से जो डाटा की इकाइयां कंप्यूटर के लिए कार्य करती हैं, जो कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि कोई भी डाटा है वह विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना है, उसके लिए हम यह कहते हैं कि कंप्यूटर तो जीरो और वन के बेस पर कार्य करता है, तो जो डाटा की इकाई होगी वह भी जीरो और वन से ही मिलकर बनती है। यह बात स्पष्ट हो गई, कंप्यूटर में डाटा की इकाई जो होती है वह जीरो और वन से बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट, जीरो वन। कंप्यूटर जीरो और वन को ही समझता है। हम जब किसी डाटा को कंप्यूटर को प्रदान करते हैं तब वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसकी प्रक्रिया करता है। जीरो और वन के फॉर्म में उसकी प्रक्रिया होती है और हमें आउटपुट के रूप में डाटा हम जो इनपुट दिए रहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। जो प्रदर्शन का उदाहरण होता है, जब बिट की बात करते हैं तो डाटा की सबसे छोटी इकाई है जीरो और वन। हम जीरो लिखते हैं
एक बिट, वन लिखते हैं एक बिट, फिर जीरो लिखे एक बिट। तो इस प्रकार से हम जीरो और वन जो भी लिखते हैं वह वन बिट ही होता है। अब हम चलते हैं डाटा इकाई के सेकंड स्टेज पर, जिसे हम निबल के नाम से जानते हैं। निबल क्या है? चार बिट्स जो होती हैं, चार बिटों का समूह जो है वह एक निबल बनाता है। चार बिटों का समूह एक निबल बनाता है। अब आगे बात करते हैं, जहां से हमारा डाटा बनकर तैयार होता है, निर्मित होता है, एट बिट्स, आठ बिटों के समूह को एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट का मतलब हो गया वन करेक्टर, वन बाइट इक्वल वन करेक्टर। लाइक एज ए बी प्लस माइनस जीरो वन, ए वन बाइट का है, बी वन बाइट का है, प्लस माइनस जीरो एंड वन, यह सब एट बिट के समूह से ही बने हैं, इसलिए वन बाइट। अर्थात जब हम कोई भी करेक्टर बोलते हैं तो उसकी साइज कितनी होती है? वन बाइट। और दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं एट बिट्स, लेकिन वन बाइट कहना आसान है, एट बिट कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि डाटा की मात्रा हमारी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर जो है बिट के रूप में प्रस्तुत करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए डाटा की जो सर्वमान्य इकाई है बिट से शुरू होकर बाइट तक आती है। बाइट जहाँ पर हमें करेक्टर को बनाते हैं, आज यह जो है बहुत विस्तृत पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। हम जिसे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी के नाम से जानते हैं, स्मृति की इकाई वन बिट इक्वल जीरो एंड वन, फोर बिट इक्वल वन निबल, एट बिट इक्वल वन बाइट, 1024 बाइट इक्वल एक किलोबाइट। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है वह आज हम वर्तमान में टेगाबाइट अर्थात टेराबाइट तक यूज कर रहे हैं। हम डाटा प्रदर्शन में आपको दूसरे बिंदु पर ले चल रहे हैं, जिसे हम वर्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है वर्ड लेंथ किसे कहते हैं? वर्ड लेंथ किसे कहा जाता है? सरल शब्दों में हम इसको बता सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जितने करेक्टर को प्रस्तुत करते हैं, जितने करेक्टर को इनपुट प्रदान करते हैं, वह मेमोरी में अपना स्थान ग्रहण करता है, उसे ही वर्ड लेंथ कहा जाता है। अर्थात डाटा मेमोरी में जो स्थान ग्रहण करता है उसे वर्ड लेंथ कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम स्पेस छोड़ते हैं, वह भी एक करेक्टर का स्पेस लेता है। हम इंटर की बटन को प्रेस करते हैं, वह भी एक बाइट का स्पेस लेता है। आइए हम इसका उदाहरण देखें। जैसे हमने किसी का भी नाम लिखा, स्थान का नाम लिखा, हमने लिख दिया इलाहाबाद। अब हमने एक लाइन को छोड़ दिया और लिख दिया सुल्तानपुर। अब इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी? बहुत ही आसान है प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके करेक्टर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन छोटी हुई है 10। यहां से फिर गिनिए,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी? 19 बाइट, क्योंकि जितने करेक्टर हैं उतने बाइट का स्पेस मेमोरी में ग्रहण करेंगे जो वर्ड लेंथ का उदाहरण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, डाटा प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अवयव पढ़ते हैं, जो डाटा का धनात्मक प्रदर्शन, डाटा का ऋणात्मक प्रदर्शन, कोड के अनुसार डाटा का प्रदर्शन। तो आइए हम आपको डाटा प्रदर्शन की तरफ ले चल रहे हैं, जहां से विस्तृत उत्तरी के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम आपको डाटा का प्रदर्शन जो बताएंगे, जब हम डाटा का प्रदर्शन कहते हैं तब हम उसको केवल दो रूपों में ही कहते हैं। डाटा का हमारा जो प्रदर्शन होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक। डाटा के प्रदर्शन को हम केवल दो रूपों में पहले व्यक्त करते हैं। पहला धनात्मक प्रदर्शन और दूसरा ऋणात्मक प्रदर्शन। बहुत ही सरल है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किए थे कि हम कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट प्रदान करते हैं वह उसको जीरो एंड वन के फॉर्म में इंटरचेंज करता है और हमें वही डाटा आउटपुट के रूप में देता है जो हम इनपुट किए रहते हैं। यह जो है इंटरचेंज करना ही एक प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो डाटा का प्रदर्शन जो दो प्रकार से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। हम किसी भी डाटा को लेते हैं, जैसे हमने 5 को लिया, जब हम इसका प्रदर्शन करवाएंगे तो सबसे पहली बात जो आवश्यक होगी, कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा को प्रदर्शित करने के लिए उसको 8 बिट की आवश्यकता होती है। अगर 8 बिट नहीं है तो वह जो है उसको 8 बिट में पूर्ण करता है। जैसे हम अगर उसको पूर्ण करते हैं तो बाईं तरफ जितनी बिट खाली होती है उतनी बिट हम पूर्ण करने के लिए शून्य का उपयोग करते हैं। हम किसी भी डाटा को जब मैनुअली प्रदर्शित करते हैं तो उसको सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में बदल लेते हैं। तो 5 की जो बाइनरी होती है वह 101 होती है। 5 की बाइनरी 101 हो गई, जो कि केवल अभी 3 बिट में है, 5 बिट कम है। तो 5 बिट जब पूर्ण हो जाएगी तब यह जो है 8 बिट हो जाएगा, हमारा डाटा प्रदर्शन के योग्य हो जाता है। 8 बिट से कम का डाटा प्रदर्शित नहीं होता है कंप्यूटर के द्वारा। हम क्या करते हैं, उस 5 बिट को बाईं तरफ बढ़ा लेते हैं, 0 0 0 0 और 0। 5 टाइम हमने 0 को बढ़ाया, 5 बार हमने 0 लगाया इसमें। अब हमारा डाटा जो है 8 बिट के फॉर्म में तैयार हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाईं तरफ से सबसे पहली बिट होती है इसे साइन बिट कहा जाता है, साइन बिट। इसके वो दूसरी भाषा में रिजर्व बिट भी कहते हैं, साइन बिट को रिजर्व बिट भी कहा जाता है। अगर साइन बिट हमारी 0 है तो डाटा का प्रदर्शन धनात्मक है। अब डाटा के ऋणात्मक प्रदर्शन के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता है। संख्या 5 जो हमारा डाटा है इसकी बाइनरी निकालते हैं, बाइनरी को निकाल करके इसको 5 बिट मिलाते हैं जिससे कि 8 बिट पूर्ण हो जाए। और यह जो साइन बिट है इसी साइन बिट को हम 1 कर देते हैं, शेष सब वैसे ही रहता है, 4 टाइम 0 101। हमारा जो डाटा का प्रदर्शन है वह अब ऋणात्मक हो गया। सीधी सी बात आप यहाँ कह सकते हैं, जब साइन बिट 0 होती है डाटा का प्रदर्शन धनात्मक होता है, साइन बिट 1 होने पर डाटा का प्रदर्शन ऋणात्मक होता है।